नमस्कार, सभी को नमस्कार। गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन के स्वामी विवेकानंद कैरियर गाइडेंस सेल और इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल के संयुक्त तत्वावधान में ये इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। आप सभी सहभागियों का इसमें बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। विषय है आज का प्रतियोगी परीक्षाएं। इस पर अपने व्याख्यान देने हेतु हमारे बीच में हमारे विशिष्ट वक्ता हैं मिस्टर आनंद दलोदिया जी, वे असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस हैं। अध्यक्षता कॉलेज के प्रिंसिपल और पैट्रन संरक्षक डॉक्टर एचएल अनिजवाल सर कर रहे हैं। साथ ही स्वामी विवेकानंद सम टेक्निकल एरर करके बोल दीजिए मैम आप।
थैंक यू नीता मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस इंडक्शन, चूंकि स्वामी विवेकानंद कैरियर सेल्फी के संयुक्त का संयुक्त आयोजन है, तो मैं आनंद स्वामी विवेकानंद कैरियर सेल की जो कोऑर्डिनेटर हैं, कन्वीनर हैं, डॉक्टर भारती श्रीवास्तव, इंग्लिश डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर भारती श्रीवास्तव को बुलाना चाहूंगी। वे आए और अपनी बात रखें विवेकानंद कैरियर सेल की गतिविधियों और इसी प्रकार के जो अभी तक के कार्यक्रम कराए गए हैं उससे आपका परिचय करवाएं। डॉक्टर भारती श्रीवास्तव मैडम। थैंक यू मैम, अर्चना मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उज्जैन, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल एंड विवेकानंद कैरियर गाइडेंस सेल in this virtual induction program on competitive exam. I hearty welcome Dr. H.R. Anijwal, patron and principal of our college. I also welcome our invited resource person, Mr. Anand Dalodia, assistant director of finance. My warm welcome to Dr. Nita Tapan, coordinator of internal quality assurance cell of our college. I also welcome all the participants who have joined us in this program, and I also welcome our dear students of our college. Swami Vivekananda Career Guidance Cell organizes number of activities. Every month we have lecture session on different career orientation program. We also organize short-term employment program. We also organize industrial visit to different industries, and thus number of activities are organized by Swami Vivekananda cell. Thank you. Thank you, Shivastava madam.
अपने स्वामी स्वामी विवेकानंद के अंदर सर की इसी बारे में जानते हैं। अब हम अपने विषय की ओर चलते हैं। इसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपके सवाल हो, तो आप लाइव चैट पर उसे डाल सकते हैं। प्रोग्राम के अंत में आपकी एक समस्या का समाधान किया जाएगा डॉक्टर आनंद देवोदर के द्वारा। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि महाविद्यालय के द्वारा 10 दिवसीय एक निःशुल्क प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसकी समय पर आपको लिंक शेयर की जाएगी। आप उसके जरिए भी निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं के मार्गदर्शन का लाभ ले सकते हैं। अब इंडक्शन प्रोग्राम के मूल विषय पर आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं और उससे जुड़ी हुई समस्त समस्याओं के समाधान हेतु मिस्टर आनंद दलोदिया सर महाविद्यालय की ओर से पुनः आपका स्वागत है। असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूंगी कि सर अपनी बात रखें और हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों के साथ में अपनी बात शेयर करें। मिस्टर आनंद धन्यवाद डॉक्टर अर्चना मेहरा मैम। सबसे पहले मैं इस कॉलेज के जीडीसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एचएल अंजिलवाल सर और इसको इंटरनेट क्वालिटी इंश्योरेंस सेल की जो कोऑर्डिनेटर जो मैम है नीता तपन मैम और स्वामी विवेकानंद करियर गाइडेंस सेल की डॉक्टर भारती श्रीवास्तव मैडम और इस स्टाफ के कॉलेज के समस्त स्टाफ को एक बार थैंक यू कहना चाहूँगा और यहाँ पर उपस्थित सभी जो इस करियर गाइडेंस सेल और इस प्रतियोगी परीक्षा के विषय पर जो अपनी बात सुन रहे हैं उनको सबको गुड आफ्टरनून। जैसा कि मुझे कॉलेज ने और स्वामी विवेकानंद करियर गाइडेंस के तत्वाधान में हो रहे इस प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में जो मुझे यहाँ इन्वाइट किया है, मैं सबसे पहले सभी को एक बार पुनः थैंक्स बोलता हूँ। और जैसा कि आज के इस परिपेक्ष में या वर्तमान परिपेक्ष में हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर लोग प्रतियोगी परीक्षा की ओर अग्रसर भी हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर किसी को एक न एक बार प्रतियोगी परीक्षा से गुजरना ही है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन प्रतियोगी परीक्षाओं को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में फर्स्ट क्लास से जुड़ी हुई है। देखा जाए तो देखते हैं हम लोग पहले भी हम एग्जाम देते आए हैं, लेकिन जब हम लोग एग्जाम देते थे तो उस समय हमारे पास आंसर सामने नहीं होते थे। आज अगर हम प्रतियोगी परीक्षा को देने जाते हैं तो 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं और आंसर हमारे सामने होता है। हमें सिर्फ इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर हम देखें तो सिर्फ सही आंसर का चयन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को तैयारी करना है। जैसा कि आज इस कॉलेज में इस गाइडेंस सेल में मुझे बोलने का जो अवसर दिया और मुझे अपने अनुभव शेयर करने का जो मौका मिला तो मैं आपको एक इंफॉर्मेटिव जानकारी जो होती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम 12th पास से भी हो सकती है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ग्रेजुएशन पास से भी हो सकती है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन से भी हो सकती है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसकी इंफॉर्मेटिव जानकारी क्या है, इसके डिटेल्स के बारे में। जैसा कि अभी अर्चना मैम बता रहे कि 10 डेज जो एक सेमिनार होगा उसके बारे में जो इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ उसकी जो डिटेल जानकारी है आपको उसमें जरूर मिलेगी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आप जब हम किसी भी एजुकेशन की तैयारी करते हैं तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 10th के बाद ही कॉम्पिटिशन एग्जाम का दौर शुरू हो जाता है। बहुत सारी एग्जाम्स ऐसी होती है जिसमें 10th मांगा जाता है, बहुत सारी एग्जाम्स ऐसी होती है जिसमें 12th से भी हम लोग दे सकते हैं और कुछ एग्जाम्स ऐसी होती है जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि प्रतियोगी परीक्षा को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग जो होता है वो सिविल सर्विसेज का होता है और दूसरा जो भाग होता है वो ऑल कॉम्पिटिशन का होता है। ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम सभी आ जाती है। तो सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम होती है वो एग्जाम्स उसके निश्चित चरण होते हैं, निश्चित उसकी अवधि होती है और निश्चित उसके लिए सिलेबस चाहिए रहता है। ये सिविल सर्विसेज होती है। लेकिन हम दूसरी प्रकार की जो सर्विसेज हैं जिसमें जितनी भी सिविल सर्विसेज के अधीनस्थ जितने भी लोग काम करते हैं वो एग्जाम्स जो आती है वो वन डे एग्जाम्स भी कहलाती है और साथ ही उनका एक
सिलेबस डिसाइड होता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करना रहती है। मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ, सबसे पहले ट्वेल्थ पास के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं या ट्वेल्थ पास होने के बाद हमें किस की ओर जाना चाहिए। अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो जिसको ट्वेल्थ के बाद जॉब की सख्त जरूरत होती है, उसी समय वो लोग उसकी तैयारी भी स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, जैसे हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में व्यापम एक परीक्षाएं आयोजित कराने वाली एक संस्था है और ये जो है हर प्रकार की ट्वेल्थ के बाद की एग्जाम के साथ साथ ग्रेजुएशन की एग्जाम करते हैं। लेकिन ट्वेल्थ के बाद अगर हम देखते हैं तो जो कांस्टेबल की एग्जाम होती है वो ट्वेल्थ के बाद हम लोग दे सकते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो संविदा के लिए अगर हम देखते हैं तो वर्ग तीन की जो एग्जाम है हम उसको भी दे सकते हैं, वो भी ट्वेल्थ पास दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि ट्वेल्थ पास के बाद हम लोग एक उसका एक सिलेबस है जिसमें मात्र हम कांस्टेबल की अगर बात करें तो उसका एक पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, उसका एक फिक्स सिलेबस है। अगर हम उसके लिए देखें तो 100 मार्क में से हमें जो भी एक उसकी कह सकते हैं हम लोग मार्किंग होती है और उसके आधार पर उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। मतलब ये एक चरण की एग्जाम है, उसके बाद इसका फिजिकल होता है और हम डायरेक्ट मतलब जॉब पा जाते हैं। मतलब कुछ एग्जाम्स ऐसी होती है कि जब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो हमें तुरंत जॉब मिल सकती है, ऐसा विश्वास हमें एग्जाम हॉल के बाहर हो जाता है कि जब हम एग्जाम देके निकलते हैं। और ये ट्वेल्थ पास होने के बाद ये एक ऐसी एग्जाम है, अगर कोई पुलिस को चयन करता है तो निश्चित रूप से एग्जाम हॉल के बाहर जब आपका कॉन्फिडेंस हो कि आप 80 मार्क्स तक के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट है वो करके आए तो निश्चित रूप से आपकी जॉब वहीं से फिक्स है। सिर्फ इसका एक चरण होता है, वो होता है फिजिकल। तो फिजिकल उसका बहुत ज्यादा भारी नहीं होता है, 800 मीटर की उसमें रनिंग होती है, उसमें शॉर्ट ऑफ होता है और एक लंबी कूद होती है। इसके अलावा उसमें तीन चरण के बाद हम लोग उसका इंटरव्यू नहीं होता है, आप पुलिस भर्ती हो सकते हैं। हम बात करें अगर संविदा वर्ग तीन की, तो संविदा वर्ग तीन के लिए चूंकि कुछ समय पहले उसमें कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं मांगी जाती थी इवन 2008 तक, उसके बाद उसमें एक एक्स्ट्रा डिग्री ट्वेल्थ पास के साथ मांगी गई, वो है डीएड। अगर हम लोग डीएड हम कर चुके हैं और ट्वेल्थ पास हैं तो हम संविदा वर्ग तीन की जो एग्जाम होती है उसको दे सकते हैं। और संविदा वर्ग तीन की एग्जाम में एक निश्चित उसका भी एक सिलेबस है, उस सिलेबस की अगर हम बात करें तो संविदा वर्ग तीन के लिए 150 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें डिवाइडेशन है मार्किंग कि 30 मार्क्स हिंदी के हैं, 30 मार्क्स एनवायरनमेंट के हैं, 30 मार्क्स मैथमेटिक्स के हैं। 30 मार्क्स के लिए इसमें आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं, या तो इंग्लिश या संस्कृत ये हो सकती है, और इसके अलावा उसमें जनरल अवेयरनेस। तो 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आप एक एग्जाम पास करना है और जब भी उसकी वैकेंसी गवर्नमेंट ओपन करती है आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, वही आप डाल सकते हैं। तो ट्वेल्थ पास के लिए अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट कांस्टेबल और शिक्षक में कोई जाना चाहता है या टीचिंग में कोई जाना चाहता है तो टीचरशिप है। अब हम आगे बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। तो ग्रेजुएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ग्रेजुएशन होने के बाद वो एक ऐसा दरवाजा है जहां से हर तरफ जाया जा सकता है, बस आपकी जो आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं चयन आपका होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आपका जो चयन है वो ट्वेल्थ के बाद ही हो जाना चाहिए कि हमें ग्रेजुएशन के बाद किस फील्ड में जाना है या किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ग्रेजुएशन के बाद दो लिंक खुलती है, सॉरी मैं ट्वेल्थ पर एक बार पुनः आता हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक SSC की एग्जाम होती है जो कि सेंट्रल लेवल की होती है। ये जो SSC एग्जाम होती है इसमें भी ट्वेल्थ से आप एग्जाम दे सकते हैं और ये टू टीयर होती है, फर्स्ट एग्जाम होती है और सेकंड एग्जाम होती है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। ये सेंट्रल लेवल पर जितने भी बड़े ऑफिसेस है उनके अधीनस्थ कार्यालय में जो वर्क करते हैं लोग, वो लोगों की भर्ती के लिए SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, ये पूरे इंडिया का है, वो ट्वेल्थ के बाद एक एग्जाम कराता है जिसे हम CGL के नाम से जानते हैं। तो आप ये एग्जाम देकर भी सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी होती है उसमें जा सकते हैं। ये आपको मैं ट्वेल्थ लेवल तक की जो बातें बताई, इसमें सेंट्रल लेवल की एक पोस्ट एक मतलब हम एक प्रकार की एग्जाम है, और मध्य प्रदेश के लिए मैंने आपको दो बताई, संविदा वर्ग तीन और कॉन्स्टेबल। अब
मैं अब जाना चाहता हूँ आगे ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन के बाद जितनी भी फील्ड है वो सारी फील्ड ग्रेजुएशन से खुलती है। आप अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप जा सकते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं। अगर आपको पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना है तो आप ग्रेजुएशन से जा सकते हैं। अगर आपको पटवारी बनना है तो आप ग्रेजुएशन से जा सकते हैं। ये सभी एग्जाम्स जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट, जैसे सिविल सर्विसेज हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग, या अगर हम यूपीएससी में जाना चाहें तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो होता है वो कराता है। अगर हम पुलिस सब इंस्पेक्टर हुई या संविदा वर्ग दो हुई, ये सब जो वैकेंसी है ये व्यापम के थ्रू खुलती है। इसके अलावा भी व्यापम जो है, जितने भी मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी ऑफिसर्स है उसके अंडर में काम करने वाले जो लोग हैं, जिसमें अधीनस्थ लोग के अंतर्गत स्टेनो आता है, स्टेनोटाइपिस्ट आता है, और इसके अलावा रेंजर्स की एग्जाम है, या हम ये कह सकते हैं राज्य अभियांत्रिकी एग्जाम है अगर कोई टेक्निकल से जुड़ा हो, तो ये सारी एग्जाम्स जो है ये सभी ग्रेजुएशन के बाद शुरू होती है। तो ग्रेजुएशन की बात करता हूं तो मैं सबसे पहले टीचिंग की बात, कि ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपने बीएड किया है, अगर आपने बीएड किया है तो आप संविदा वर्ग दो दे सकते हैं, और उसमें दो पेपर होते हैं, एक पेपर जीए का होता है। उस संविदा वर्ग दो में एक पेपर जो जीए एक ही पेपर होता है, उसमें बाल विकास अनिवार्य है जिसका 30 मार्क्स होता है, उसके अलावा उसमें विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा उसमें 30 मार्क्स की हिंदी होती है, और संस्कृत और अंग्रेजी में से कोई एक ऑप्शनल होता है। ये 150 मार्क्स का पेपर होता है, और 150 मार्क्स में अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं संविदा वर्ग दो, और ये व्यापम के द्वारा आयोजित की जाती है। तो बीएड अगर आपके पास हो तो वैकेंसी आने पर आपको सबसे पहले मतलब उसकी काउंसलिंग होती है और आप टीचिंग में जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप सब टीचिंग लाइन को अगर चुनते हैं, और अगर सिर्फ आपकी जो भी 3 या 4 माह की मेहनत है ग्रेजुएशन के बाद, और अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म, और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि चूंकि मैं गर्ल्स कॉलेज में बैठा हूं तो लेडीज जॉब के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टीचिंग लाइन। उसमें हमें हर प्रकार की एक जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि हमें समय फैमिली के साथ और हमारे ऑफिस स्टाफ के साथ, या हमारे यूं कह सकते हैं हम लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, ऐसा कॉम्बिनेशन या सामंजस्य टीचिंग लाइन में जो गर्ल्स के लिए या लेडीज के लिए मिलता है, वैसा प्लेटफॉर्म अदर किसी सेवा में देखने को नहीं मिलता। जैसे पुलिस सेवा में अगर हम देखें, अगर वहां पर कोई लेडीज जॉब करने चले जाए तो उनको टाइम के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो वर्ग दो की एग्जाम हम ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। अब मैं आता हूं आपको, पुलिस सब इंस्पेक्टर की एक एग्जाम होती है जिसे हम बोलते हैं सब इंस्पेक्टर या थानेदार की पोस्ट, हिंदी में उसको बोला जाता है। ये एग्जाम एक ऐसी एग्जाम है जो इस देश में, जो हम ये कह सकते हैं हमारे राज्य में, अगर कोई फील्ड की जॉब में करने के लिए माहिर है, या वो करना चाहता है, या वो एक देशभक्ति के रूप में या राष्ट्रभक्ति के रूप में अपने आप को यूनिफॉर्म में देखना चाहता है, तो सब इंस्पेक्टर की एग्जाम एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और इसे मध्य प्रदेश में व्यापम कंडक्ट करवाता है। इसमें दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीएस का पेपर होता है, जो 100 मार्क्स का होता है, 100 और 100 ही क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे समय रहता है। दूसरा पेपर जो होता है वो पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश का होता है, जिसमें हिंदी 70 मार्क्स की आती है और 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है। इन दोनों को मिलाकर उसकी जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके आधार पर ये इसका फर्स्ट चरण होता है। चूंकि ये जो सब इंस्पेक्टर की जो एग्जाम है ये 3 चरणों में कंडक्ट होती है। इसका पहला चरण जो है वो एग्जाम होता है, दूसरा चरण जो है इसमें फिजिकल होता है। फिजिकल में उसमें 3 चीजें उसमें भी जैसे कांस्टेबल में थी वैसी है, कि इसमें 800 मीटर की रनिंग होती है, उसमें गोला फेंक होता है, और उसमें लॉन्ग जंप होता है। इन तीनों को अगर हम पार करते हैं तो उसमें 3-3 हमको चांस मिलते हैं। अगर हम एक चांस में बाहर हो गए तो दूसरे चांस, दूसरे में बाहर हो गए तो तीसरे चांस। अगर हम यहाँ देखते हैं कि हमने फिजिकल पार किया है तो इसमें एक इंटरव्यू भी होता है, जो कि मार्क 10 मार्क्स का होता है। पर इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारा मेरिट लिस्ट में नाम, अगर हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं तो हम बहुत अच्छे से हमारा फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद एसआई के लिए एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। और एसआई की जॉब एक ऐसी जॉब है, चैलेंजिंग जॉब है, आपको हर प्रकार के काम करने का इसमें सौभाग्य मिल सकता है। चूंकि मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ कि मैं पुलिस कॉन्स्टेबल के रूप में 10 वर्ष तक मैंने सेवा दी है, और मैं पुलिस की जॉब को बहुत निचले स्तर से जानता हूँ। तो अगर
आप पुलिस की जॉब करते हो तो आपको किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह पर कोई सा भी काम करने में आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वो एक चैलेंजिंग जॉब है। आपको रात दिन सुबह शाम जब भी इवन उसमें हमको ऑल टाइम 24 घंटे की वो जॉब है। कई लोग अगर इसमें जुड़े अगर पुलिस परिवार से हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि उसमें 13 मंथ की सैलरी मिलती है जबकि मंथ 12th होते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हमको संडे का जो वीकेंड मिलता है वो नहीं मिलता है। तो सब इंस्पेक्टर की एक जो जॉब है वो एक चैलेंजिंग जॉब है, एक ऑफिसर की जॉब है, और उसमें हमारी लाइफ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए ये बेस्ट है और आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत होगी निश्चित रूप से। जब भी इसका 10 दिवसीय जो मैम ने बताया था अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके डिटेल हम लोग बात करेंगे। ये सब इंस्पेक्टर की एग्जाम के बारे में हम लोगों ने बात की। आगे आते हैं हम लोग पटवारी की। पटवारी के बारे में हम अगर बात करते हैं तो पटवारी की एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। साथ ही हम लोग जो है एक एग्जाम होती है आजकल सीपीसीटी, एक कह सकते हैं हम लोग एक सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट भी उसके लिए अनिवार्य है। लेकिन उसमें एक चीज ये भी है कि अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ पटवारी की एग्जाम को दिया है और ये इसको व्यापम कंडक्ट करवाता है तो इस एग्जाम में पटवारी की एग्जाम में 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है उन्होंने कि कहां से क्वेश्चन आएंगे। 20 मार्क्स का जीके आता है जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, 20 मार्क्स का इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, 20 मार्क्स का इसमें हिंदी होता है, 20 मार्क्स का इसमें पंचायत से संबंधित मुद्दे या उसकी इकोनॉमिक, या हम ये कह सकते हैं कि पंचायत से रिलेटेड कुछ हमको सामान्य जानकारी होना चाहिए, और साथ ही 20 मार्क्स कंप्यूटर के होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट जॉब मिलती है। तो पटवारी की को चयन करना भी एक चैलेंजिंग जॉब है दोस्तों, फील्ड की एक जॉब है ये। अभी हाल ही में 2017 में जो लास्ट भर्ती हुई थी उसमें लगभग 2000 पटवारियों की मध्य प्रदेश सरकार ने भर्ती की थी, व्यापम ने इसको कंडक्ट करवाया था। निश्चित रूप से आगामी समय में इसके आने की संभावना है। तो अगर कोई लोग आपके इसमें जो भी इस लेक्चर को या इस सेमिनार को सुन रहे हैं, वेबिनार को सुन रहे हैं, अगर वो पटवारी की एग्जाम में जाना चाहते हैं तो निकट भविष्य में जरूर आने की संभावना है, आप इसके लिए लग सकते हैं। और उसके लिए जो सीपीसीटी मैंने आपको सर्टिफिकेट बताया उसमें ये चीज है कि आप भर्ती होने के 2 साल के अंदर भी उसको कर सकते हैं, ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो ये है पटवारी के बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको 12th के बाद किस एग्जाम में हम जा सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद हम कहां किस एग्जाम में जा सकते हैं। एक सेंट्रल लेवल की एग्जाम होती है, सेंट्रल लेवल की एग्जाम में हम एसएससी जो होता है, एसएससी ही एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसे हम सीजीएल के नाम से जानते हैं, कॉमन ग्रेजुएशन लेवल टेस्ट जो होता है। इसमें जो ये एग्जाम होती है, ये एग्जाम भी जो सेंट्रल लेवल के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उसके सेकंड ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इससे चयन होकर जाते हैं। और वो एग्जाम में अगर हम देखें तो उसमें 2 tiers एग्जाम होती है। वो फर्स्ट ईयर, फर्स्ट में उसकी प्रीलिम्स होती है हम देखा जाए तो, और उसमें जो पेपर आता है हम देखते हैं कि जो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना होते हैं, उसके करने के बाद उसमें इंटरव्यू होता है। और इस प्रकार से आप एसएससी की जो एग्जाम है उसके माध्यम से भी आप सेंट्रल लेवल के ऑफिसर्स बन सकते हो। ये भी एक सेंट्रल लेवल पर अगर कोई जाना जाता है, एग्जाम में मैथमेटिक्स का रोल ज्यादा होता है और रीजनिंग का रोल ज्यादा होता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम होती है उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पार्ट जो है वो नगण्य होता है, जबकि अदर एग्जाम्स जितनी भी होती है वहां पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एसएससी सीजीएल की जो एग्जाम है आप इसको पास करके आप सेंट्रल लेवल के एक सेकंड ग्रेड ऑफिसर्स बन सकते हैं। ये यूपीएससी के निचले अधिकारी जो रहते हैं, यूपीएससी से पास करके आईएएस आईपीएस जो लोग आते हैं उनके नीचे अधीनस्थ लोग जो रहते हैं वो ऑफिसर्स इससे बनते हैं। तो ये भी एक ग्रेजुएशन के लेवल की एग्जाम है और आप इसको भी कर सकते हैं। एक बात करता हूं मैं बैंकिंग क्षेत्र की, तो बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे जॉब के ऑप्शन है, आप उसमें भी जा सकता। उसमें भी 2 प्रकार की एग्जाम होती है, एक 12th पास से बैंकिंग की एग्जाम होती है और दूसरी ग्रेजुएशन के बाद से होती है। तो 12th पास के पहले जो एग्जाम होती है वो क्लर्क की होती है, और ये जो बैंकिंग सिस्टम की जो एग्जाम होती है इसको एक बैंक का पूरा एक मतलब उसका इंस्टीट्यूट है IBPS करके, जिसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, वो इंस्टीट्यूट इसको कंडक्ट करवाता है। और यह
इंडिया की टोटल 19 जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसके लिए कंडक्ट होती है कि हर नेशनलाइज्ड बैंक में जो क्लर्क की भर्ती होती है आईबीबीएस उसको कंडक्ट करवाता है, 12th के बाद आप कर सकते हैं। और ये 1 ईयर एग्जाम होती है और इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो इसकी हम बैंकिंग क्लर्क में जाने के लिए, बैंकिंग क्लर्क में जाने के लिए आप 12th के बाद 1 ईयर एग्जाम पास करके आप वो कर सकते हैं, उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। वो अगर हम देखें तो उसमें अलग अलग उसका सिलेबस है, उसमें रीजनिंग का पार्ट जो है उसके 45 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, डाटा एनालिसिस या इंटरप्शन के उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, जनरल फाइनेंशियल एनालिसिस के उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज जो रहते हैं उससे संबंधित 2 लेटर हमको उसमें लिखना रहता है, ये भी 25 मार्क्स के होते हैं। तो ये जो है आईबीपीएस का जो 12th लेवल की एग्जाम आप इसको पास कर सकते हैं और इसमें बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, क्योंकि बैंक की जॉब भी एक अच्छी जॉब मानी जाती है और उसमें बहुत बहुत सारी सुविधाएं बैंकिंग की तरफ से जो भी जॉब करता है उसको मिलती है। एक ही और इसमें एग्जाम्स होती है बैंक पीओ की, और ये होता है प्रोविजनल ऑफिसर, जो कि एक उस बैंक का ऑफिसर होता है। ये ग्रेजुएशन के बाद होती है, और जब हम इसमें देखते हैं ग्रेजुएशन के बाद तो ये 2 टीयर एग्जाम्स होती है, 2 टीयर एग्जाम होती है, क्योंकि जो फर्स्ट होती है 1 टीयर होती है, 2 टीयर एग्जाम होती है। इस 2 टीयर एग्जाम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, याद ध्यान रखिएगा। तो इस 2 टीयर एग्जाम में इसका पहले प्री होता है फिर मेंस होता है। तो प्री जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, उसके बैंक पीओ का जो होता है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स की होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 मार्क्स की होती है, और रीजनिंग एबिलिटी जो है वो भी 35 मार्क्स की होती है। इस प्रकार से 100 मार्क्स का इसका प्री होता है। इस प्री में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो दोस्तों आईबीपीएस जो है, आईबीपीएस जो पीओ की एग्जाम लेता है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, मतलब आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत होता है तो एक आपका जो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक आपका जो क्वेश्चन सही है वो हट जाएगा, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो ये आपका प्री का है। प्री निकलने के बाद इसमें होता है मेंस, और जो मेंस होता है उसके लिए ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही टेस्ट होता है। मेंस जो होता है उसमें रीजनिंग का पार्ट जो है 45 मार्क्स का होता है, इंग्लिश लैंग्वेज उसमें 35 मार्क्स होता है, डाटा एनालिसिस उसमें 35 मार्क्स है, और बैंकिंग अवेयरनेस के संबंध में 40 मार्क्स होता है। साथ ही इसमें 2 निबंध लिखना होते हैं, वो भी इंग्लिश में। तो इस प्रकार से मेंस हम लोग क्लियर करते हैं, और उसके बाद तृतीय चरण में इसमें इंटरव्यू होता है। तो बैंकिंग की जो एग्जाम है वो भी जो सिविल सर्विसेज होती है उसी प्रकार 3 चरण में आयोजित होती है। और बैंक पीओ में अगर हम चयन करते हैं तो ये एक बैंकिंग ऑफिसर के रूप में हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें भी आप लोग जा सकते हैं। तो इसके बारे में, और इसका जो इंटरव्यू होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल पर मैंने बैंकिंग क्षेत्र में जाने के लिए एक 12th के बाद कैसे जा सकते हो आप, एग्जाम आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाता है, उसमें 12th लेवल पर इंटरव्यू नहीं होता है, जबकि ग्रेजुएशन लेवल पर इंटरव्यू भी होता है प्लस मेंस भी होती है। तो ये आईबीपीएस के संबंध में हमने बात की। अब अगर हम लोग आते हैं कि जो एग्जाम्स होती है, इन एग्जाम्स के अगर हम बात करें कि ग्रेजुएशन के बाद ए और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, हम लोगों ने ग्रेजुएशन के कुछ एग्जाम्स की इंफॉर्मेटिव जानकारी देखी, अब हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम बहुत सारी फील्ड चयन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी फील्ड यहाँ पर आती है कि हमको टीचिंग लाइन में जाने के लिए या प्रोफेसर बनने के लिए या लेक्चरर बनने के लिए यहाँ पर बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं। उसमें सबसे बड़ी एग्जाम के रूप में अगर हम टीचिंग लाइन में जाने के लिए, एक होता है सेट और एक होता है नेट। तो सेट जो होता है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है, जो कि मध्य प्रदेश का, हर स्टेट में अलग अलग होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह लोक सेवा आयोग जो होता है जिसे हम बोलते हैं, उसके द्वारा इसकी एग्जाम कंडक्ट उसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। और सेट जो है वो किसी भी मास्टर डिग्री करने के बाद आप सेट दे सकते हैं, और सेट देने के बाद आप जिस भी कॉलेज में, जहां पर भी वैकेंसी होगी, आप अपने फॉर्म फिलअप करके आप उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होती है वो आप चयन कर सकते हैं। तो सेट एग्जाम जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाती है, और यह एग्जाम जो है, इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं,
फर्स्ट पेपर जो होता है वो ये कह सकते हैं हम 50 क्वेश्चन होते हैं लेकिन 100 मार्क्स का होता है। इसके लिए मात्र एक घंटा होता है हमारे पास। तो सेट देने के लिए जो कि लोक सेवा आयोग करवाता है मध्य प्रदेश का, उसमें फर्स्ट पेपर होता है जो कि एक देश का पेपर होता है जिसमें सामान्य जानकारियां होती है, खास करके शिक्षण संस्थान शिक्षण या बौद्धिक जो शिक्षा होती है उसके बारे में क्वेश्चन होते हैं। तो सेट एग्जाम का फर्स्ट पेपर क्लियर करने के बाद इसका सेकंड पेपर जो होता है वो पेपर होता है जो आपका ऐच्छिक विषय होता है, उस विषय से संबंधित होता है। और ऐच्छिक विषय आप जो भी आपका विषय है उसमें आप सेट दे सकते हैं। तो उस एग्जाम के बारे में उसका जो पेपर होता है सेकंड पेपर वो 2 आवर्स का होता है, 2 घंटे का होता है। 100 क्वेश्चन जो है वो उसमें होते हैं और उसमें भी सभी विषयों के लिए वो अलग अलग एग्जाम होती है। जो इसका प्री होता है या पहला पेपर होता है वो एक ही दिन होता है सभी का, लेकिन जब ऐच्छिक विषय की बात आती है तो इसकी एग्जाम अलग अलग दिनांक को होती है कि इस सब्जेक्ट की इधर है, इस सब्जेक्ट की अलग है, इस सब्जेक्ट की अलग अलग दिनांक है। तो इसके आधार सेट के माध्यम से हम असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है उसके लिए अगले इसका चरण है इंटरव्यू। तो इस सेट से हम मध्य प्रदेश के जितने कॉलेजेस हैं उस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पदस्थ हो सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद टीचिंग लाइन में जाने के लिए बॉयज या गर्ल्स, और गर्ल्स के लिए चूंकि हम लोग आज गर्ल्स कॉलेज में इस वेबिनार को सुन रहे हैं तो चूंकि मैं यही कहूंगा कि टीचिंग लाइन गर्ल्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है जहां से वो हर चीज को सामंजस्य के साथ कर सकती हैं। तो ये सेट के बारे में बात हुई। इसी प्रकार से एक भारत का बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसे हम UGC के नाम से जानते हैं, जिसे हम उसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये जो इंस्टीट्यूट होता है ये इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में एक एग्जाम करवाता है जिसे हम नेट कहते हैं। तो नेट एग्जाम जो होती है ये पूरे इंडिया के लिए होती है और ये भी मास्टर डिग्री के बाद होती है। अब इसमें हम नेट क्वालिफाई करके इसकी एक निश्चित लिमिट होती है कि इतने टाइम तक के लिए इसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। सेट में भी एक सर्टिफिकेट मिलता है, नेट में भी एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके आधार पर आप अप्लाई कर सकते हो। जहां पर भी कॉलेज में सीट खाली हो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी वैकेंसी अगर ओपन होती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो नेट एग्जाम जो है ये एक इंडिया लेवल की बड़ी एग्जाम है जिसे UGC कंडक्ट करवाता है और इसके लिए भी 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जो देश का होता है और यह पेपर 2 मार्क्स का होता है और इसमें टोटल सामान्य पेपर कहलाता है या इसे सामान्य ज्ञान भी कहते हैं हम लोग, जो कि शिक्षा से संबंधित या हमारे जो शिक्षा से संबंधित सारे क्वेश्चन होते हैं उसका बौद्धिक जो क्षेत्र है वो जाना जाता है, उसके लिए फर्स्ट पेपर होता है। सेकंड पेपर वही है जैसा सेट में होता है कि जो ऐच्छिक विषय होते हैं हमारे, जिस विषय में हम लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसी विषय का वो पेपर होता है और ये 100 मार्क्स का होता है। ये सभी एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ मित्रों, ये सभी एग्जाम ऑब्जेक्टिव होती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं सर, हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम की खासियत है ये कि हम 12th या ग्रेजुएशन करके आते हैं तो हम परीक्षा में जब एग्जाम लिखने जाते हैं तो वहां पर आंसर हमारे सामने नहीं होते हैं, वहां पर सिर्फ क्वेश्चन होते हैं, आंसर हमको लिखना होते हैं। लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम की सबसे खूबसूरती यही है कि आंसर हमारे सामने होते हैं, हमें चयन करना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इस आंसर को पहचानने के लिए ही हमें अलग अलग लोगों के गाइडेंस की, अच्छी किताबों की, अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। तो ये कहीं भी हो सकता है, आप वर्चुअल भी इसको देख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, या कई आपके टीचर लोग होंगे उनसे आप देख सकते हैं, या कई लोग तैयारियां कर रहे हैं आप उनसे भी मिलके इस प्रकार की चीजों को सीख सकते हैं, किस प्रकार से हम आंसर का चयन करना सीखें। और यही कॉम्पिटिशन, चूंकि आज इंडिया में हम लोग कई बार सुनते हैं कि इस देश में 65 करोड़ युवा है, 65 करोड़, जो कि विश्व के किसी भी देश की, चाइना को छोड़कर किसी भी देश की इतनी जनसंख्या नहीं है। तो इतने कंपटीशन के युग में अगर हम देखें तो हमें कितनी मेहनत करना होगी इसके लिए, एक सही दिशा में और सही मार्गदर्शन में अगर हम तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हम पार नहीं कर सकते। तो आगे हम लोग आते हैं, चूंकि हम लोगों ने नेट की बात की, नेट में प्रोफेसरशिप में जाने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसके लिए 2 ईयर एग्जाम होती है, उसमें भी इंटरव्यू होता है और आप इस प्रकार से प्रोफेसरशिप के एग्जाम में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं, ये तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप की पेपर्स हो गए, कुछ लोग जो है जो ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं
चूंकि मैं खुद सिविल सर्विसेज में आज आपके सामने बोल रहा हूँ, मैंने 2015 से लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की पोस्ट पर मैं पदस्थ हूँ अभी। तो हम अगर सिविल सेवा में जाना चाहते हैं तो सिविल सेवा एक ब्रॉड सेवा है, हम ये कह सकते हैं एक बड़ी सेवा है जिसमें हर क्षेत्र में काम करने का मौका हमको मिलता है। तो सिविल सेवा में जाने के लिए हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो एक क्षमता है, उसको उसमें परखा जाता है। उसके 3 चरण में एग्जाम होते हैं और वो एग्जाम हमें एक अच्छे ऑफिसर के रूप में बनाकर भेजती है। तो निश्चित रूप से ये 2 टाइप से होती है एग्जाम, एक स्टेट अलग करवाता है और जो सेंट्रल होता है या केंद्र होता है, भारत सरकार होती है, वो एक अलग करवाती है। इसके लिए संविधान में प्रावधान है, इसका भाग 14 जो होता है, संविधान का भाग 14, उसके आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक के आर्टिकल में इस एग्जाम के बारे में वर्णन है। मतलब ये संवैधानिक एक तरीके से सेवा है देखा जाए तो। तो संवैधानिक सेवा के लिए चयन होने के लिए उसकी वैसी ही हमें तैयारी भी करनी पड़ती है और वैसा ही हमें बनना भी पड़ता है और वैसा ही उसमें हमको सेवा करने के लिए, पब्लिक की सेवा करने के लिए एक बड़ा क्षेत्र मिलता है और उसमें एक बड़ा लक्ष्य भी होता है। तो सिविल सेवा में जाने के लिए, जैसा कि मैं सिविल सेवा से आया हूं, तो मैं आपको एक स्टेट पीएससी होती है, एक सेंट्रल पीएससी होती है। तो स्टेट पीएससी जो होती है उसके लिए जितने भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उस गजेटेड ऑफिसर की जो वैकेंसीज होती है वो स्टेट पीएससी के द्वारा मतलब ओपन की जाती है और उसमें 3 चरण होते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर सिविल सर्विसेज में किसी ने जाने का सोचा है, तो चूंकि इस कॉलेज में अभी मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से, फाइनल ईयर से, पोस्ट ग्रेजुएट से भी लोग हैं, अगर आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर से ही मूड बना लेना चाहिए। अगर आपकी आपकी यही एक जाने का लक्ष्य है कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, तो फर्स्ट ईयर से अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ हो नहीं सकता। यहीं से आपको उसी तरीके की तैयारी करना चाहिए कि आप ग्रेजुएशन के बाद आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए आपके जितने भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, उन सब्जेक्ट को के साथ साथ आपको शुरुआत में न्यूज़पेपर पढ़ना और नई जो जानकारियां हैं, हम ये कहते हैं उसको करंट अफेयर्स के रूप में देखते हैं, या वर्ल्ड लेवल पर क्या चल रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया लेवल पर क्या चल रहा है, या मध्य प्रदेश लेवल पर क्या चल रहा है, या कोई ऐसी घटना है जो हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिविल सर्विसेज के बारे में मैं ये कहूँगा कि उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर से लग जाते हैं व्यक्ति, तो उसको ग्रेजुएशन पार करते करते वो जो उसका जो प्रथम चरण होता है उसको पार करने में बहुत आसानी होती है। और अगर हम लोग ग्रेजुएशन के बाद भी करते हैं तो उसके लिए हमको एक टाइम की जरूरत पड़ती है, वो 6 मंथ भी हो सकता है या 1 ईयर भी हो सकता है। 6 मंथ में लोग तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा डेडिकेटेड चाहिए, हमको डेडिकेट चाहिए हमारे लिए, और दूसरा कि उसके लिए एक फिक्स टाइम होगी, उस टाइम में हम कुछ भी ना करें, क्योंकि सिविल सर्विसेज की एग्जाम एक ऐसी एग्जाम है जिसमें हम एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ उभर कर लोगों के बीच में हमारी एक पहचान बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जो पीएससी होता है वो 3 चरण में होता है। इसका प्रथम चरण जिसे हम लोग प्रारंभिक एग्जाम या प्री टेस्ट बोलते हैं, और निश्चित रूप से 2020 का जो प्री टेस्ट है वो अभी हाल ही में हुआ है, 21 की वैकेंसी इसके लिए आने भी वाली है। अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो निश्चित रूप से आप आगे भी हमसे जुड़कर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसमें प्रथम टेस्ट होता है, प्रथम टेस्ट में जो पास होता है वो उसके लिए मेंस होता है, और यहाँ पर जो मैंने अभी तक आपको बैंक पीओ में बताया या दूसरे उसमें मेंस बताया वो सब ऑब्जेक्टिव होते थे, लेकिन यहाँ का जो मेंस होता है वो रिटर्न होता है। उसके लिए बाकायदा एक सिलेबस है, उसके लिए 6 पेपर होते हैं और 6 पेपर का मेंस रिटर्न होता है। उस 6 पेपर में हमें एक पेपर हिंदी का मिलता है, एक निबंध का मिलता है, बाकी 4 पेपर जो होते हैं वो पूरे जीएस के होते हैं। तो 4 पेपर जीएस के होने के बाद 5वां पेपर हिंदी का और 6 पेपर जो होता है वो पेपर होता है आपका निबंध का। तो 6 पेपर को पार करने के बाद जब हम अगर उसको भी पास करते हैं या हम उसमें भी क्वालिफाई होते हैं तो उसका तृतीय चरण वो होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू जो होता है 175 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि अगर हमारे मेंस की एग्जाम में हमारे नंबर कम हैं और अगर इंटरव्यू में हमें अच्छे मार्क्स मिल गए
तो जो एक अच्छी पोस्ट होती है उसके लिए, जैसे डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं, डीएसपी होते हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं जो जिस पोस्ट में हम हैं, तो ये बड़ी पोस्ट जो कि हाई लेवल की पोस्टेज होती है वो आपको आसानी से मिल सकती है। लेकिन इंटरव्यू जो होता है वो आपके पोस्ट को छोटी या बड़ी कर सकता है, इसलिए हमको उसकी भी तैयारी वैसा ही करना चाहिए। तो ये बात हम कर रहे थे पीएससी, स्टेट पीएससी की। और स्टेट पीएससी के बारे में अगर हम बात करें तो इससे अलग अलग क्षेत्र के ऑफिसर्स बन सकते हैं, मतलब मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी गजेटेड ऑफिसर्स के पद हैं हर क्षेत्र के, वो चाहे वन विभाग के हुए, वो चाहे राजस्व विभाग के हुए, वो चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग के हुए, या चाहे वो मतलब कृषि विभाग के हुए, जितने भी क्षेत्र के गजेटेड ऑफिसर्स वो इसी से बनते हैं। और इसके लिए एक क्षेत्र बड़ा मिलता है, और जब आप इंटरव्यू देने के बाद अगर आपकी फाइनल लिस्ट में नाम आता है तो उसके बाद आप एक अच्छे ऑफिसर बन जाते हैं, उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो ये स्टेट पीएससी के बारे में हम लोगों ने बात की। इसके लिए एक ही एग्जाम से अलग अलग कह सकते हैं हम, अलग अलग पद मिलते हैं, मतलब आपकी मार्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हाईएस्ट नंबर आए हैं तो आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, अगर उससे कुछ कम नंबर आए तो आप डीएसपी बन सकते हैं, अगर उससे भी आपको कोई कम नंबर आए तो और भी कई विभागों की गजेटेड ऑफिसर्स के जो पद हैं वो मिल सकते हैं, अगर और भी कम आए तो उसमें आप जो जेल अधीक्षक होता है वो बन सकते हैं, आप असिस्टेंट जेलर बन सकते हैं, या आप और भी उसकी जो पोस्टें हैं रेंजर बन सकते हैं, सारी चीजें उसी से निकल कर आती है। तो एक ही एग्जाम से अलग अलग पद मिलना, ये आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मेंस में किस प्रकार का परफॉर्म किया। तो निश्चित रूप से दोस्तों, ये हम लोगों ने सिविल सर्विस की बात की। इसी प्रकार से सिविल सर्विस होता है एक सेंट्रल का, जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि कलेक्टर और जो एसपी होते हैं वो सेंट्रल में होने वाली यूपीएससी एग्जाम से यहाँ पर कलेक्टर और एसपी के पद पर पदस्थ होते हैं। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है, ये पूरे भारत का एक ही है, और इससे जो एग्जाम कंडक्ट कराता है ये भी तीन चरण में उसकी एग्जाम कंडक्ट होता है। सेम वैसे ही होता है जैसा हमने स्टेट के बारे में बात की, इसका प्रारंभिक एग्जाम होता है, बहुत एनालिटिकल इसका पेपर होता है जो प्रारंभिक पेपर होता है, उस पेपर में हमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखना है, उसका 0.25 उसका नेगेटिव मार्किंग होता है प्रारंभिक एग्जाम में। तो यहां से अगर हम उसके दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीएस का होता है और सेकंड पेपर जो होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो पेपर होता है इसमें वो क्वालिफाइंग होता है, मार्किंग या मेरिट लिस्ट जो बनती है वो फर्स्ट पेपर से बनती है। तो यहाँ पर हम इसकी प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इसका मेंस होता है, उसके मेंस में भी जैसा मैंने आपको स्टेट पीएससी में बताया था कि 6 पेपर होते हैं, ऐसे उसी में से उसमें 9 पेपर होते हैं, और उस पेपरों के आधार पर आप जब मेंस लिखते हैं तो ये भी रिटर्न मेंस होता है, आप लैंग्वेज कोई सी भी चयन कर सकते हैं उसमें भी, और स्टेट पीएससी में भी कोई सी भी लैंग्वेज चयन कर सकते हैं। तो जब हम उसके मेंस क्वालिफाई करते हैं तो उसका अगला चरण जो होता है वो इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू चयन होने के बाद उसमें हर साल यूपीएससी जो होता है वो 1000 से कम 1000 वैकेंसी ओपन करता है, जो कि पूरे इंडिया के युवाओं के लिए एक, हम ये कहेंगे पूरे इंडिया के युवाओं के लिए एक ऑफर रहता है, जिसमें कि आप अच्छी तैयारी करके, और इवन मैं ये कहूँगा कि उसके लिए पूरा डेडिकेशन जो होना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया की सबसे बड़ी एग्जाम है। अगर कोई उसके बारे में सोच रहे हैं या उसके बारे में तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आप जो इस वेबिनार को सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, अगर उनके घर में 10th या 12th के कोई उनके भाई बहन बंधु है, तो अगर वो उस क्षेत्र को जाना चाहते तो उनको वहीं से बता दीजिए कि आप 10th के बाद ही उसकी स्टार्टिंग शुरू कर दें, और 12th के बाद से भी कर देंगे तो भी बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो आपको कम से कम 1 साल की बहुत गहन अध्ययन वाली जो तैयारी है वो चाहिए, और ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम बहुत सारे लोगों की उसमें सेवाएं कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों में अपनी छाप छोड़ सकते हैं, और एक जो रेपुटेटेड पोस्ट होती है वो उसके लिए मतलब हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं, और वो हमारे पास सब कुछ होता है, हम लोग जो हमारे सपने रहते हैं वो सपने सब पूरे होते हैं उसमें, लेकिन जरूरत होती है सिर्फ हमें एक बहुत अच्छी मेहनत की। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा कि आपने देखा होगा कि जब हम स्कूलिंग या कॉलेजेस करते हैं तो उस समय हमको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं रहता हमारे माइंड पे, क्योंकि हम लोग घर वालों के उस पर डिपेंड होते हैं, और आपको बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं होता है, लेकिन
हम क्या है उस पढ़ने को बहुत भारी बना लेते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो चाहे ऑब्जेक्टिव वाली एग्जाम हो या ये कह सकते हैं रिटन एग्जाम, उस एग्जाम के लिए अगर हम देखते हैं तो हमें एक सार निकल के मिलता है कि मात्र 1 किलो वजन होगा किसी किताबों का, उसी को पढ़ना होता है, और वो भी वेल माहौल में। आप घर के अंदर बैठे हैं, पंखा चल रहा है, या हम कह सकते हैं आपको चाय बेड पे आ रही है, सब कुछ वेल, और आप तैयारी करते हैं। आप देखिए कई लोगों के पास ये सुविधा नहीं होती है और उसके बावजूद वो इन बड़ी बड़ी एग्जाम्स को मतलब क्वालिफाई कर जाते हैं और एक अच्छा एग्जाम्पल बन के समाज के सामने प्रस्तुत होते हैं। तो जितने भी लोग आज इस वेबिनार को सुन रहे हैं, निश्चित रूप से दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेटिकल जानकारी दी, सभी क्षेत्र की एग्जाम जो होती है, जहां जिस क्षेत्र से आप जा सकते हो उसके लिए हमने इस वेबिनार में जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो इसका सब्जेक्ट था उसके आधार पर हम लोगों ने बात की है। और इससे इसकी डिटेल में जानकारी, इसका सिलेबस कैसा होता है, इसके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, उसके लिए जैसा कि मुझे फर्स्ट में मैम ने बताया था कि इसका 10 दिवसीय एक निःशुल्क जो एक सेमिनार होगा उसमें भी आपको इसकी जानकारी ज्यादा मिल सकेगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम को इन्फॉर्मेटिक करना और इतने कम समय में ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने फिर भी जो बड़ी एग्जाम्स होती है उसके बारे में मेरे अनुभव आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको इसके अलावा जिस भी क्षेत्र में जाना हो और अगर आप संपर्क करना चाहें, या मतलब ये कह सकते हैं कि आपको किसी एग्जाम में जाना है और उसके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप संपर्क भी कर सकते हैं कॉलेज में आके। निश्चित रूप से आपको मैम के माध्यम से हम आपको जो भी उस मार्गदर्शन होगा हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग निश्चित रूप से दोस्तों ये जो वेबिनार था इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेटिव जो जानकारी थी उस जानकारी के लिए आप सब लोगों ने इतना ध्यान से इसको सुना। अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन अगर करना है तो आप वो चैट के माध्यम से कर सकते हैं। और दूसरा है कि जितनी भी एग्जाम्स अभी निकट भविष्य में आने वाली है उसकी तैयारी के लिए आप लोग लग जाइए। मैं पुनः एक बार इस कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर साहब HL अंजिलवाल सर और इस प्रोग्राम को इंटरनल इंश्योरेंस सेल जो है इसको कोऑर्डिनेट कर रही नीता तपन मैम और स्वामी विवेकानंद करियर गाइडेंस सेल से डॉक्टर भारती श्रीवास्तव मैडम और इस कार्यक्रम को संचालित कर रही डॉक्टर अर्चना मेहरा मैम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इतने लोगों से यहाँ पर रूबरू हुआ, अपने अनुभव शेयर किए। निश्चित रूप से ये आने वाले जो हमारे जितने भी एग्जाम देने वाले जो लोग हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आनंद दलोदिया जी, आपने बहुत सूचनात्मक बड़ी इंफॉर्मेटिव सारी जानकारी दी परीक्षाओं को लेकर के। हमारे प्रतिभागियों सहभागियों में से कुछ ने जानना चाहा है कि समय क्या रहेगा इस मार्गदर्शन कार्यक्रम का, तो 8 से 12 और 3 से 7 बजे का समय रहेगा इस कार्यक्रम के लिए। तो 8 से 12 और 3 से 7 के बीच के समय में वे अपनी सुविधा से वे ज्वाइन कर सकते हैं। इस बड़े उपयोगी जानकारी के पश्चात आपको महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और CET के बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया था कि CET कोई परीक्षा का कोई नया नाम कुछ परिवर्तित हुआ है या क्या है, उसके बारे में भी सर आप जानकारी। CET जी, इसमें किसी ने CET के बारे में पूछा है तो CET जो एग्जाम होता है वो कॉमन एलिजिबल टेस्ट होता है। और कॉमन एलिजिबल टेस्ट मतलब जो है ये एग्जाम के बारे में पूछा कि हुआ या नहीं हुआ, तो इसके बारे में अभी जो एग्जाम्स है उसकी मुझे अभी मतलब जानकारी नहीं है कि वो अभी हुआ या नहीं हुआ है। निश्चित रूप से अगर उसकी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं या मैम के माध्यम से आपको जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू।
उम्मीद है कि जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब आप तक पहुंच गया होगा। अब वेबिनार की अगली कड़ी में हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर अनिजवाल सर, जो प्रिंसिपल सर हैं, और वे किसी अनिवार्य काम से अभी हमारे बीच उपलब्ध नहीं हो सके हैं, तो मैं अंग्रेजी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत गहलोत सर को आमंत्रित करूंगी। वे अध्यक्ष उद्बोधन के लिए हमारे बीच में आमंत्रित हैं। डॉक्टर हेमंत गहलोत सर, नमस्कार। डॉक्टर हेमंत गहलोत सर, आप आमंत्रित हैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए। आ तो गया हूँ, आवाज आ रही है क्या? Am I audible? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच। सो इन अ सीरीज ऑफ वेबिनार्स, वंस अगेन वी हैव अ वेबिनार ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड अ वेरी रिलेवेंट टॉपिक। जितने भी विद्यार्थियों ने, छात्राओं ने इसको अटेंड किया है, उनके लिए निश्चित रूप से बहुत उपयोगी रहा है। और एज फार एज आई एम इन्फॉर्म, देर इज अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस विच विल बी ऑर्गेनाइज। तो एक बहुत ही ब्रॉड एरिया कवर होने वाला है आप लोगों के बेनिफिट के लिए। तो आई सपोज द इनिशिएटिव टेकन बाय आईक्यूएससी मस्ट बी अप्रिशिएटेड एंड कांग्रेचुलेशंस टू द कोऑर्डिनेटर फॉर सच अ नोवेल आइडिया व्हिच विल डेफिनेटली हेल्प द स्टूडेंट्स। आज का जो प्रेजेंटेशन था मिस्टर दलोदिया का, वो डेफिनेटली फोकस कर रहा था बहुत सारी टिप्स के ऊपर, जिसने जो आपको हेल्प करेंगी आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तैयारी के लिए। और जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन डेवलप हुआ है, उसमें भी आपको अब आने वाले समय में जिस टाइप से एग्जाम एजुकेट किया जा रहा है, वो कुल मिला के आपको कॉम्पिटिटिव रेडी करने के लिए ही है। साथ में आपका जो प्रोफेशन रेडी करने का पैटर्न है, उसको भी उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। सो आई सपोज ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर जो हमारा फ्यूचर ऑफ नेशन है, उसके लिए निश्चित रूप से एक साउंड प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, और दैट विल हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज वेल। सो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एंड फैमिली ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन, I extend my heartfelt gratitude to Mr. Dalodia for his wonderful presentation and information-packed lecture. This is definitely going to help the students understand the finer nuances of competitions. Secondly, I must congratulate the coordinator IQAC for her marathon efforts. She has all the time been concerned about the well-being of the institute and well-being of the people concerned with the institutes. I must extend my heartfelt thank and congratulations to the professor conducting the program, Dr. Archana Mehra, for a smooth linking of the devices, for a smooth conduct of the people for such a useful and beneficial program. Finally, on behalf of the DGPGC family, I extend my wholehearted gratitude to the students who have attended the program and are going to be benefited by the information given here. Once again, thanks to all concerned with the webinar and all the very best to you. Thank you very much. थैंक यू सर। डॉक्टर गहलोत हमारे आईक्यूएससी के सीनियर मेंबर भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
प्रतिभागियों से यह अनुरोध भी है कि फीडबैक लिंक शेयर कर दी गई है यूट्यूब पर, कर दी जाएगी शेयर, उसे आप भरें। इंडक्शन प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर अब हम हैं और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हमारे समाजशास्त्र विभाग की सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर नीता तिवारी मैडम को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर नीता तिवारी मैडम। आभार प्रदर्शन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसे बखूबी निभाते हुए सबसे पहले आभार प्रदर्शन हेतु मैं जो हमारे इनवाइटेड रिसोर्स पर्सन आनंद डालोदिया सर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, उनकी मैं आभारी हूं, हम सभी आभारी हैं कि उन्होंने विषय को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हेतु जितना विस्तार पूर्वक बताया, समय और तैयारी के लिए जो भी छात्राओं को जो जरूरतें हैं, जो जिस तरह की आवश्यकताएं हैं उनके बारे में विस्तार से बताया, उनके लिए मैं आभार ज्ञापित करती हूँ। इसके बाद मैं डॉक्टर एच एल अनिजवाल सर, जो हमारे संस्था के संरक्षक हैं, वह प्राचार्य हैं, वह इस समिति के अध्यक्ष हैं, उनका भी आभार प्रकट करती हूँ। अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु डॉक्टर हेमंत गहलोत जी, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग का, जिनका सारगर्भित जो अध्यक्ष उद्बोधन था, जिससे हमें काफी प्रेरणा मिली। आईक्यूएसी सेल की डॉक्टर नीता तपन, जिनके सहयोग के बगैर कोई भी कार्यक्रम अधूरा है, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। डॉक्टर भारती श्रीवास्तव, जो स्वामी विवेकानंद करियर प्रकोष्ठ की कन्वीनर हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। एवं सफल संचालन हेतु डॉक्टर अर्चना मेहरा प्रोफेसर हिंदी अध्ययन हिंदी विभाग, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से इस कार्यक्रम को हमारे सामने प्रस्तुत किया। साथ ही मैं तकनीकी सहायक श्री विवेक दुबे का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उनके बगैर ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था, एवं समस्त प्रतिभागियों का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। एवं अगर मैं किसी का आभार प्रकट करना भूल गई हूँ तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। नमस्कार।